आई एम ओ मैथमेटिक्स ओलम्पैड क्लास फोर चैप्टर थ्री फ्रैक्शंस क्वेश्चन नंबर वन हुई ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द शेडेड पार्ट ऑफ द गिविन फिगर्स दिस इज ए स्क्वायर इसको फोर पार्ट्स किया गया है दिस इज शेडेड पार्ट दैट इज़ टू पार्ट्स एंड अनशेडेड टू पार्ट्स दिस इज फोर पार्ट्स टू पार्ट्स सेडेड एंड टू पार्ट्स ऑन सेडेड दिस इज थ्री पार्ट्स सेडेड एंड वन पार्ट ऑन सेडेड ईच स्क्वायर स्मॉल स्मॉल फोर स्क्वायर्स में डिवाइड हुआ है इसीलिए डेनोमिनेटर फोर एंड दिस इज़ थ्री पार्ट थ्री बाई फोर दिस इज टू बाई फोर

अगर हमें पूछा जाता है सेवन बाई ट्वेंटी नाइन्टीन बाई ट्वेंटी से कितना छोटा तो हम वही करेंगे नाइनटीन बाई ट्वेंटी माइनस सेवन बाई ट्वेंटी दैट इज ट्वेल्व बाई ट्वेंटी बिकॉज डेनोमिनेटर सेम नाइनटीन माइनस सेवन दैट इज ट्वेल्व आंसर ट्वेल्व बाई ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेटर्स ऑफ द गिवेन वर्ड हाज़ कॉर्ड लाइन दिस इज कार्व लाइन हस दिस लेटर दिस लेटर एंड तीस लेटर ये तीनों लेटर कार्व लाइन है टोटल लेटर्स नाइन एंड कॉर्ड लेटर थ्री अगर ये फ्रैक्शन को हम सिम्पलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसको थ्री में डिवाइड करेंगे न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर को थ्री में डिवाइड करेंगे थ्री डिवाइडेड बाय थ्री इक्वल टू वन नाइन डिवाइडेड बाय थ्री इक्वल टू थ्री हिंस द फ्रैक्शन इज वन बाय थ्री ऑप्शन डी इज करेक्ट दैट इज वन बाय थ्री सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थ्री बाय नाइन क्वेश्चन नंबर फोर हुई ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल रिप्लेस इन दिस एक्सप्रेशन टू बाई फाइव का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर्म करना है जिसका डिनोमिनेटर फिफ्टीन होना चाहिए इसीलिए फाइव इंटू थ्री दैट इज फिफ्टीन सिमिलरली टू इंटू थ्री दैट इज सिक्स आंसर इज सिक्स बाई फिफ्टीन ये क्वेश्चन में न्यूमेरेटर में स्टार दिया गया है एंड न्यूमेरेटर ही पूछा गया है इसलिए स्टार इज सिक्स न्यूमेरेटर इज 6. दिस इज स्टार इन न्यूमरेटर Hence ऑप्शन ए इज करेक्ट 6. क्वेश्चन नंबर five. हाउ many 1/5 विल मेक one होल दिस इज 1/5. इसको हम क्या करने से one बना सकते हैं वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 5. हमें इसे फाइव से मल्टीप्लाई करना है फाइव फाइव कैंसिल आंसर वन हमें ये पता है मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेशन ऑफ एडिशन डिनोमिनेटर फाइव वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन ऐसे करके फाइव फाइव बाई फाइव इक्वल टू वन ऑप्शन ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज सेडेड दिस इज द फिगर इसमें टोटल सेडेड एंड अनशेडेड ट्राइंगल्स आर 25 इनमें से सेडेड ट्राइंगल्स 10 इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे तो इट इज़ 10 बाई 25 ऑप्शन ए इज करेक्ट दैट इज 2 बाई 5 क्वेश्चन नंबर सेवेन इफ के प्लस थ्री बाई ट्वेंटी फाइव इक्वल टू सेवन बाई ट्वेंटी फाइव देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k के हमें ये पता है अगर दोनों नंबर में से एक ही नंबर गिवेन है एंड उनका सम गिवन है तो हमें सम माइनस गिवेन नंबर इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर ऐसे करके सॉल्व करना है सम 7 बाई ट्वेंटी फाइव गिवेन नंबर 3 by 25 7 by 25 minus 3 by 25 equal to 4 by 25 25 denominator 7 minus 3 that is 4 4 by 25 is k hence d is correct option that is 4 by 25 question number 8 the sum of shaded fraction of this figure and this figure is this is 4 part hua hai and 1 is shaded. It is also 4 part hua hai and 1 is shaded. 1 by 4 plus 1 by 4 that is 2 by 4. 4 denominator 1 plus 1 2. Hence answer is. टू बाई फोर ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर नाइन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑप्शन ए में डिनोमिनेटर सेम है ऑप्शन बी में भी सेम है सी में भी सेम है एटीन डी में भी सेम है ट्वेंटी फोर इसलिए हमें सिर्फ न्यूमिनेटर चेक करना है कौन सा ऑप्शन में असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स रखा गया है ऑप्शन ए थ्री एट थर्टीन फाइव यह असेंडिंग ऑर्डर नहीं है ऑप्शन बी सेवेन टेन फोर्टीन ट्वेंटी ये तो असेंडिंग ऑर्डर है बट ट्वेल्व असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है ऑप्शन सी फोर फाइव सिक्स ट्वेल्व नाइनटीन ये कंप्लीटली सेंडिंग ऑर्डर में है इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट हुई ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन मेक द गिवेन नंबर सेंटेंस ट्रू टू बाई थ्री एंड वन बाई फोर में कंपेयर करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करना है टू इंटू फोर दैट इज एट थ्री इंटू वन दैट इज थ्री एट इज ग्रेटर देन थ्री एंड ये दोनों में न्यूमेरेटर टू है इसीलिए दिस इज ग्रेटर नंबर इसलिए टू बाई थ्री इज ग्रेटर देन वन बाई फोर दिस इज ग्रेटर देन साइन ऑप्शन ए में ग्रेटर देन साइन है इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन सेवेंटी नाइन बाई नाइन इज सेम आज जब हम सेवेंटी नाइन को नाइन में डिवाइड करेंगे एट क्वेश्चन एंड सेवन रिमेंडर इसीलिए एट होल 7 बाई नाइन नाइन इज डिवाइजर ऑप्शन बी इज करेक्ट एट 7 बाई नाइन